श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया उल्लास नाम का। यहाँ पर बच्चों को खेल से जुड़े इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे अलग अलग कॉलेजेस से आके अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ कॉलेज के चांसलर पंकज अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कितना अहम हो जाता है एक छात्र के जीवन में खेलों का आयोजन, क्योंकि खेल से ही कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक छात्र के जीवन में खेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, एक चांसलर के तौर पर आप जब बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, तो खेल से कैसे एक अलग टैलेंट निकल कर आता है? जो आप जिनको बच्चे कह रहे हैं, मेरी नज़र में ये एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आगे आने वाले समय में समाज का हिस्सा बनने जा रहा है, और ये एक यूनिवर्सिटी के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ये सभी ह्यूमन रिसोर्स जो हैं ये समाज का एक पॉजिटिव तरीके से समाज को आगे ले जाने वाला एक ह्यूमन रिसोर्स हम लोग क्रिएट करें। और इसी कड़ी में पढ़ाई लिखाई डिसिप्लिन, जिसको हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसी में खेलों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। खेल का मतलब सिर्फ स्किल किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में दिखाने के लिए नहीं होता। खेल का मतलब कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। खेल में ज़रूरी नहीं है, जैसे फुटबॉल को अगर आप ले लीजिए तो मूव कोई बनाता है और गोल जो है, अगर जो नाम दर्ज होता है वो किसी और के नाम पर होता है। जीत हार अगर आप किसी भी टीम स्पोर्ट्स में देख लीजिए, तो ठीक इसी तरह से खेलों में इस चीज़ को हैंडल करने का, इस चीज़ को समझने का मौका और सीखने का मौका स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खेलों में वो ये होती है कि जीत और हार को हम किस तरह से हैंडल करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट में हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो कभी भी जीत नहीं सकता हमेशा, और वो कभी हारेगा भी नहीं हमेशा, कभी ना कहीं उसको जीत का भी जो स्वाद चखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को हम जीवन में कैसे अपने उप लाएँ, जीत और हार को किस तरह से हैंडल करें, ये बहुत ही एक ज़रूरी मुद्दा है। तो इसको भी सीखने का मौका इस तरह के जो प्रायोजन होते हैं हमारा खेलकूद का, जो ये वार्षिक एक सम्मेलन है जिसको हम उल्लास के नाम से मनाते हैं, पिछले सालों में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अब पूर्ण की तरह जो है इसको फिर से हम लोग मना रहे हैं, और स्टूडेंट्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर्षोल्लास का जो है वो एक बात। कितने इवेंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनका आयोजन हो रहा है, और कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं? क्योंकि हमने बच्चों से बात की तो वो बीबीडी से कोई आया है, कोई क्राइस्टचर्च से आया है, यहां पर पहुंचा हुआ है और फाइनल्स अपने खेल रहे हैं बच्चे, तो कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन से कॉलेज के बच्चे यहां पर पहुंचे हुए? मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बच्चों ने कोशिश यही की है, उनका भरसक प्रयास यही है कि जहाँ से भी जिस भी कॉलेज विद्यालय में जिस खेलों में टीमें हैं वो आएं और उसमें जो है प्रतिभागी बने। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, या मैं ऐसा कहूँ कि रामस्वरूप ग्रुप की तरफ से, हम लोग इसको केवल वर्ष में एक बार नहीं वरन एक लीग की तरह से चलाते रहना चाहते हैं, और आगे आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स ने ये प्रण लिया है और इस चीज़ के लिए वो जो है प्रयासरत हैं कि हम इसको एक वार्षिक लीग की तरह सभी खेलों में, चाहे वो कबड्डी हो, लॉन टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, चेस हो, इंडोर गेम्स की जहाँ तक बात करें, और भी तरीके के, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, इसमें हम पूरे सालाना एक तौर पर जो आसपास के कॉलेजेस हैं और कभी कभी बाहर की टीमों को बुलाकर भी आपस में एक प्रतिस्पर्धा रखें, इससे एक दूसरे को जानने का और जैसे मैंने कहा एक सर्वांगीण विकास जो कि बहुत ज़रूरी है खेलों के माध्यम से वो हो। हमने अभी बात की थी जब बच्चों से तो वो बता रहे थे कि इससे पहले कुछ सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ क्रिकेटर थे जो आए हुए थे, तो वो कितना ज़रूरी हो जाता है कि जब खेल का आयोजन हो और खेल में जो बहुत मुकाम पर पहुँच गए हैं उनको बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है, और कॉलेज क्या क्या कर रहा है उसके लिए, आने वाले टाइम में कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं या कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आने वाले हैं? आप किसी भी खेल के माध्यम से या किसी भी एक्टिविटी के लिए जो एक मोटिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोग जो अपना इस लेवल पे मुकाम बना चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं, मैंने भी अभी फॉर एग्जांपल बोला, तो कोई चैप्टर आप पढ़ते हो उसके बाद पहले कुछ एग्जांपल्स दिए आते हैं, अच्छे सवाल, मुश्किल सवाल होते हैं उनको सॉल्व करके दिखाया जाता है, जिससे मुझे ये समझ आए कि इस चीज़ की क्या अहमियत है। तो मुझे लगता है इसी कड़ी में जो लोग ऑलरेडी कुछ एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और जो आगे भी प्रयासरत हैं और आगे पहुँचने के लिए लोग हैं, उनके माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलती है कि कहाँ तक वो जा सकते हैं। और इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया गया, कुछ लोग इन तीन
दिनों में आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं भी आ पा रहे हैं उनको भी हम आगे पीछे, जैसे दुती राम जो है उनको हमने बुलाया, नेशनल जिन्होंने ओलंपियंस रहे हैं, योगेश्वर दत्त जी ने भी पहले समय दिया था लेकिन वो बिजी हो गए, तो इस तरह के लोगों को, बट हम लोग की यही अब कोशिश है कि हम इस तरह के लोगों को बुलाएँ और स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराएँ, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति ने खेलों के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया है तो एक तो प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनको जानने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर अंग्रेज़ी की कहावत टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, वो केवल वो मेडल दिखाई देता है, उसके पीछे की मेहनत, तपस्या, परिवार, किस तरह से दोस्त जो भी उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं किस तरह से मिल के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि उस चीज़ को हम अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इवेंट का आयोजन हो रहा है, बच्चे किस प्रकार से अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए एक मोटिवेशन क्या होगा आपकी तरफ से? मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होती है या विश्वविद्यालय की एक्टिविटी होती है, ये उनकी अपनी एक्टिविटी, आपने देखा होगा हम एक डिफरेंस के साथ ये सब जो इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका कारण ये होता है जिससे उसकी अहमियत समझें, उसका किसी ना किसी तरह से हिस्सा बने और उसकी जो भी सीख है और जो भी चीज़ों से लगता है कि हमें नुकसान हो सकता है उसको अपने जीवन में उतारें और बेहतर समाज बनाएं, यही हमारी बच्चों से हमेशा जो है एक एडवाइस रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बाकी खबरों के लिए, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।